एवरीवन, नमस्ते, जय माता दी। मैं आपकी अपनी शोभा पारी ब्लॉगर। तो आज मैं बना रही हूँ अरबी की सब्जी। तो अरबी मैंने कुकर में डाली थी पकने के लिए, मतलब छिलके निकाल दिए इनके। अभी इनको बारीक बारीक हाथों से कर लिया ऐसे, या फिर आप मतलब इसके साथ भी कर सकते हैं। और मैंने तड़का डाल दिया है भूनने के लिए। तो मैंने डाला है इसमें प्याज, सूखा धनिया, और मैंने डेढ़ मिर्च ली है, ज़्यादा नहीं ली है क्योंकि बहुत तीखी है, और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ। तो आप और भी ले सकते हैं मसाले, बट हम सादा खाना खाते हैं पहाड़ी, तो सिंपल सा। तो बना रहे हैं हम अपने चूल्हे में, चिमनी वाले चूल्हे में। आज मैं गैस का इस्तेमाल ही कर रही हूँ, ठंड हो गई है बहुत यहाँ पे, तो मैंने सोचा चूल्हा जला रहे तो चूल्हे में बना लेती हूँ। तो मैंने डाल रहा है इसमें थोड़ा सा नमक, बाद में भी डाल सकते हैं टेस्ट करने के बाद, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो थोड़ा सा डालती हूँ हल्दी पाउडर, आप टमाटर वगैरह भी डाल सकते हो, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। अब इसमें पानी डाल दूंगी। तो अब डाल रही हूँ मैं इसमें अरबी। अब इसको अच्छी तरह से काटना है, मतलब नमक लग जाए, इसको पकने देना थोड़ी देर के लिए। अगर ये बच जाते हैं तो गाइस सुबह के लिए भी काम आते हैं, जैसे सुबह इसमें छाछ वगैरह या दही वगैरह लगा ली तो चावल के लिए ठीक हो जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है चावल के लिए। हम बोलते हैं पलदा, जैसे आलू का पलदा, आलू डाल के। जब तक इसमें अच्छे से धूप नहीं लग जाती ना उबाल, तब तक इसे पकने के लिए डालना है। अब ढक्कन दे देना और इसे छोड़ देना। तो मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया, अब थोड़ी देर के लिए उबालना इसको, फिर उसमें मसाला वगैरह डालना। तो फिर ये बन के रेडी हो गई। तो फिर खाएंगे हम फुलके के साथ, फुलके मैंने तैयार कर ली है पहले ही। तो गाइज इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, और मैं इसे मतलब ये रेडी हो गई है पूरी तरह से। तो मैं इसे उतार देती हूँ, फिर बताती हूँ। थोड़ा इसका कलर वगैरह दिख नहीं रहा है, ये इसमें वो धुआँ चल रहा है चूल्हे में ना। तो गाइज इसका कलर कुछ ऐसा आया है, और इसमें मैंने मसाले नहीं डाले अभी, तो मैं डाल रही हूँ इसमें मसाले, उतार के भी डाल सकते हैं, पीसे हुए हैं। और ये हो गई पूरी तरह रेडी। तो फुलके के साथ भी ले सकते हैं जिसको अच्छे लगते हो, चावल के साथ भी ले सकते हैं। और हरा धनिया इस टाइम है नहीं मेरे पास, अभी लगाया है पर छोटा छोटा है अभी। तो गाइज आप देख सकते हैं। तो गाइज मैं छोटा सा दो लाइन आपको भजन की सुना देती हूँ। तो भजन है वंदना दीवान का, चिमटे दी छनकार। दो तीन लाइन सुनाऊंगी, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी। चिमटे दी छनकार बाबा तेरे चिमटे दी, हो रही तेरी से जयकार बाबा तेरे मंदिरा दी। मोर दी सवारी बाबा शात लाइया बह गया, मोर दी सवारी बाबा शात लाइया बह गया, बनी गया रक्त ना दलाल बाबा तेरे चिमटे दी।
नमस्कार, तो बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा अरबी की सब्जी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरा भजन कैसा लगा। तो थैंक यू फ्रेंड, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी वीडियो का, मतलब ब्लॉगिंग का, वीडियो बनाती हूँ मैं, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और थैंक यू, बाय। I'll like